वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्ट्रीट सनी व्लॉग्स। एक और नया व्लॉग, एक और नई जर्नी की शुरुआत। चलती है फिर से घूमने के लिए, जो कि हमारी आदत है घूमना। अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए पिंक सिटी, जो कि राजस्थान की है, कैपिटल जो है जयपुर। सुबह के बज रहे हैं लगभग 5:30। हम लोग निकल चुके हैं अपनी दन्नों को लेकर, अपनी गाड़ी को लेकर, अपनी पंच को लेकर। रात को बड़ी मेहनत करी थी मैंने साफ़ करने में, इसमें बहुत मेहनत करी है, चमक रही है पूरी गाड़ी, बट मज़ा आ रहा चलाने में। अभी निकले हम लोग, कितना क्या पेट्रोल लगता है बताऊँगा थोड़ा आपको, और थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे जयपुर में क्या है खाने की अच्छी जगहें, एंड जो है जयपुर में घूमने की जगहें कौन कौन सी है सारी एक्सप्लोर करेंगे आज जितनी हो सकेगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा ट्रिप नहीं है मेरा, ये 1-2 दिन का ट्रिप है। मतलब आज जाऊँगा तो कल शाम तक वापस आ जाऊँगा। जयपुर में ऐसा है भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और फिर भी हम लोग जा रहे हैं, एंड वहाँ पर हमारे रिलेटिव भी रहते हैं तो उनसे भी मिलेंगे हम लोग, फिर घूमेंगे फिरेंगे बताएंगे आपको कैसा क्या है। बने रहिए व्लॉग में आप। तो ये सुबह का मौसम, अभी हम थोड़ी देर में दोलागांव पहुँच जाएंगे। ये बुधागढ़ नंबर रोड है, ये रिज रोड कहते हैं इसको। मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, अभी सुबह का समय है। वो दिन भी याद आ गया कि बाइकिंग करता था मैं, सुबह निकलते थे हम लोग इस रोड से शोर मचाते हुए, वो भी दिन अलग थे, पास था पारा वो, पर प्रेजेंट चल रहा है अब तो शांत भरा। सो पेट्रोल डलवा लिया मेरी गाड़ी के अंदर, आपने देखा अभी स्क्रीन पर अपनी, ये लगभग 1933 रुपये का पेट्रोल मेरा आया है, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल ऑलरेडी था, तो ये 3-1 हज़ार का पेट्रोल इसमें गाड़ी में आ गया। गाड़ी की मैंने एवरेज कर दी है 0, अभी गाड़ी का एवरेज आ रहा है 9.7, देखो कितना आता है। अप्रॉक्सीमेटली जो उम्मीद है मेरे को 18 की एवरेज दे देगी गाड़ी, 80-90 में जाएंगे हम लोग, ज़्यादा भगाऊंगा नहीं गाड़ी की, बाकी 20 में स्टैसा आएगा तो लेंगे। एंड मैं ये जो है जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे से नहीं जा रहा, कि मैं जा रहा हूँ ओल्ड हाईवे से ही जा रहा हूँ जयपुर का जो है, क्योंकि वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली मुझे पड़ रहा है ये लगभग कह सकते हो 310 करीब किलोमीटर, और यहाँ से पड़ेगा मुझे ये 250 करीब किलोमीटर, 270 करीब, तो 50 किलोमीटर फालतू जाने का फ़ायदा नहीं है मेरा। एंड वहाँ पर टोल भी ज़्यादा है, टोल अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पर है 700 करीब रुपये टोल है मुंबई एक्सप्रेस वे से, एंड यहाँ से टोल लगेगा मेरा 300 रुपये, तो कह सकते घुमा फिरा के मेरा वही है 600-700 रुपये बच जाएंगे, एंड समय बराबर ही लगेगा, तो ज़्यादा नहीं होगा तो फ़र्क होगा आधे घंटे का ही होगा, आधे घंटे के 600-700 बजना तो वर्टेबल है यार, तो खर्च करें, बाकी चलते हैं अभी निकल रहे हैं, देखते रहिए आप। तो हम आके रुके अभी ओल्ड्रा होटल, लगभग दिल्ली से पड़ता है ये 130 करीब किलोमीटर, एंड यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, ठीक था, एवरेज था, अच्छा था, क्या ज़्यादा खास तो नहीं था, ठीक था। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, गाड़ी लगा रही है पार्किंग में, पीछे दिख रहा हो ओल्ड्रा होटल, दिखाता हूँ घुमा के। सो ये रहा ओल्ड्रा होटल, आपको दिख रहा हो कैमरा स्क्रीन पर भी है, वो खड़ी अपनी गाड़ी, एंड ये निकलते हैं यहाँ से, अच्छी पार्किंग भी अच्छा है, चलते हैं हम निकलते हैं। सो अब हम अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं पार्किंग में से, एंड यहाँ से अब आगे निकलते हैं हम लोग, क्योंकि अब जैसे राजस्थान के अंदर मैंने एंटर किया है तब से मैं देख रहा हूँ कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो गई है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई है राजस्थान के अंदर, पूरे नॉर्थ इंडिया का बुरा हाल है, आपने देखा ही होगा न्यूज़ चैनल्स पर, बाढ़ वगैरह आ गई है, लैंडस्लाइड्स हो गए हैं हिमाचल के अंदर, तो उसका असर यहाँ पर भी है, या सर इन द सेंस कि बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो ग्रीनरी इतनी ज़्यादा हो गई है। जो ये पहाड़ आपको दिख रहे हैं सामने, ये एक्चुअल में रेतीले पहाड़ हैं ये, जो कि ऑरेंज रहते हैं हमेशा, बट इस बार देख रहा हूँ मैं जितना चल कर आया हूँ अभी तक के रास्ते में,
सारे पहाड़ हरे हो चुके हैं, सब पहाड़ पेड़ पौधे हो चुके हैं। बाकी ठीक है, अच्छा है, ग्रीनरी बढ़ गई है यहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो गाइस, जब भी आप जयपुर आएंगे दिल्ली से, तो आपको आते हुए राइट साइड पे कट दिखेगा जयपुर एंट्री करने से पहले आमेर फोर्ट का। वहाँ से राइट टर्न लेकर अंदर से जाना आप, अंदर से आपको पूरा आमेर का किला दिखाई देगा। अंदर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किले के अंदर, बाहर से पूरा किला दिख जाएगा आपको। साथ ही साथ वहाँ से क्रॉस करके जब आप आगे जाओगे, आपको पूरा जयपुर दिखेगा पहाड़ के ऊपर से। साथ में आपको दिखेगा जल महल। अभी देखो अपनी स्क्रीन पर सामने, बिल्कुल पूरा का पूरा आमेर फोर्ट है ये। अभी वो छोटा दिख रहा होगा, पास जा रहे हैं हम उसके। अभी आपको दिखेगा पूरा आमेर फोर्ट। एंड ये एलिफेंट देखो यहाँ पर, ये आमेर फोर्ट घुमाते हैं, ये पूरा का पूरा आमेर फोर्ट है। देखो पूरी पहाड़ के ऊपर पूरी बाउंड्री बनी हुई आमेर फोर्ट की है। मतलब शासन था उस टाइम पे मुगलों का, तब का बना हुआ है। अब लोगों के लिए घूमने के लिए जगह बन रह चुकी है अभी। बाकी हिस्टोरिकल चीज रही सारी की सारी है। तो ये है पूरा का पूरा आमेर फोर्ट, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर अपनी है। एंड हम लोग जो है आमेर फोर्ट के अंदर नहीं जा रहे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। क्योंकि हम लोग तो आते रहते हैं यहाँ पर, मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ सीधे। एंड ये बहुत बड़ा किला है, अंदर आपको एलिफेंट वगैरह हायर कर सकते हैं, बैठ के घूम सकते हैं उसके ऊपर। और ये आमेर फोर्ट जो है एक पहचान है राजस्थान की। इसकी वॉल इतनी बढ़िया है, चाइना वॉल आती है ना, चाइना वॉल जैसी, वैसी इसकी वॉल बनी हुई है किले की पहाड़ के ऊपर से। बहुत अच्छा है ये। एंड ये साथ में जो चल रही है रोड की, ये छोटी सी लेक है जो कि पानी भरा हुआ है उसके अंदर अभी भी है। चल रहे हैं हम आगे, धीरे धीरे निकल रहे हैं। आना तो सर्दी में घूमने के लिए आना, अगर अंदर घूमने जाना है तो। अभी तो बहुत गर्मी है और गाड़ी से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि गाड़ी में एसी चल रहा है तो बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी देखो कितने टूरिस्ट वगैरह हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं अभी। ये देखो कितने लोग आज दिख रहे हैं आपको, कितनी गाड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पर आपको अभी। तो ये आप लोगों ने देखा था अभी आमेर का किला बाहर से, क्योंकि अंदर तो हम लोग गए नहीं, बहुत गर्मी हो रही है बाहर, बहुत गर्मी है। एंड बस यहाँ पर कुछ नहीं, नॉर्मल किला ही है, जो जितने सारे किले तो वैसे ही किला है ये भी। अभी हम लोग जा रहे हैं जलमहल की तरफ, थोड़ा वहाँ खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करेंगे, फिर हम आगे घर की तरफ निकल जाएंगे अपने जहाँ जा रहे हैं। बाकी अब ये नज़ारे देखो आगे के अभी आप। ये जो है रास्ता, अभी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे हम लोग, एंड ऊपर से हमें पूरा जयपुर दिखेगा, यहाँ से पूरी पिंक सिटी दिखेगी हमें यहाँ से। अभी आगे देखते जाओ आप इसके अंदर ये। एंड मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर जयपुर में पहली बार पहाड़ों के ऊपर हरियाली है इतनी। यहाँ पर हरियाली कभी होती नहीं है, सारे ऑरेंज पहाड़ हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है इस बारी, तो बारिश की वजह से हरियाली हो गई है यहाँ पर, नहीं तो हरियाली बिल्कुल नहीं होती थी यहाँ पर। बाकी रोड देखो कितनी पतली रोड है ये। सो हम लोग आमेर की चढ़ाई से उतर के आ गए हैं जलमहल की तरफ। बाकी ऑल थोड़ा अगर आपको बताऊं, जयपुर आपको कभी भी आना हो बाय बस बाय ट्रेन, बस से अगर आप आएंगे, बस आपको धौला कुआं से बहुत सारी मिल जाएंगी, जो कि आपको सिंधी कैंप या जयपुर के बस अड्डे उतार देंगी, जिनका किराया 250 से 300 रुपये किराया है आपका। एंड यहाँ पर आओगे आपको होटल बहुत ही सस्ते मिल जाएगा, मोस्ट ऑफली कहो 1000 रुपये में आपको बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा यहाँ पर। एंड खाने पीने की कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि राजस्थानी फूड इतना सस्ता और इतना अच्छा होता है, वही प्याज कचौड़ी मिर्ची एंड ऑल दैट, कि आप स्नैक वगैरह खा के पेट भर सकते हैं अपना। तो ओवरऑल अगर आप आओगे जयपुर तो ट्रिप भी आपका बहुत सस्ते में हो जाएगा, जो कि कह सकते हैं हम ये अप्रॉक्सीमेटली अगर 2 जने आ रहे हो, 3-4 हज़ार रुपये इनफ है घूमने के लिए, इनफ। और बहुत अच्छे से घूम के वापस चले जाओगे यहाँ पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ बहुत अच्छा है। बाकी अपने लेफ्ट में देखो आप ये नज़ारे जल महल के, पूरा जल महल का एरिया है पूरा, ये दिखाता हूँ आपको कैसा क्या है अभी। ये गाड़ी रोकते हैं, उतरते हैं, दिखाते हैं आपको पूरा जल महल। हम लोग आ गए हैं जल महल, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर अपनी है मेरे पीछे, बिल्कुल ये पूरा जल महल है पीछे। एंड ये पीछे की तरफ ये आमेर फोर्ट है, आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। ये देखो यार, ये रहा जल महल बीच में, एंड पूरी वादियाँ सारी है जयपुर की, एंड आमेर फोर्ट इधर की तरफ, ऊपर की तरफ ये पूरे उसके बने हुए किले। ये रोड है सीधी, अच्छा है घूमने के लिए, आओ यार, पर गर्मी ज़्यादा है। तो अब प्लान ये, हम निकल रहे हैं यहाँ से, अब चलिए।
सो अब हम लोग एंटर कर रहे हैं एक्चुअल पिंक सिटी के अंदर। सिटी के अंदर हम लोग आ चुके हैं एंड ये बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ की रोड है एंड राइट साइड में बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही होगी। ये एक्चुअल बिल्डिंग नहीं, ये है हवा महल। बाहर से दिखता है, अंदर से बहुत बड़ा है हवा महल। ये हम यहाँ भी अंदर नहीं जा रहे हैं, आप आओ तो जा सकते हो क्योंकि यहाँ कार पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पर आना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आओ क्योंकि दिल्ली की तरह जयपुर के अंदर भी खचाखच ट्रैफिक हो चुका है, बुरा हाल है यहाँ पर भी ट्रैफिक का। तो जलमहल आप आके घूम सकते हो एंड ये पूरा पिंक पिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्योंकि ये है जयपुर पिंक सिटी एंड ये पूरा चौराया आ गया ये हवा महल का। एंड यहाँ पर क्या है, पहले बहुत ट्रैफिक होता था जब बन रहा था कंस्ट्रक्शन था, बट ट्रैफिक तो अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही है। एंड यहाँ पर आके आप राजस्थानी कपड़े वगैरह खरीद परचेज़ कर सकते हो, साथ ही साथ आप यहाँ पर राजस्थान का जो आपको चाहिए चीज़ वो सब यहाँ अवेलेबल है, इजीली मिल जाएगी आपको यहाँ पर आकर। एंड यहाँ पर वही है, पैदल आके घूमो, व्हीकल तो छोड़ ही देना अपना, कहीं जहाँ भी जाओ जहाँ से भी आप आ रहे हो पार्किंग में लगाओ, अपना पैदल पैदल घूमो, रिक्शे में घूमो, ऑटो में घूमो, अपनी गाड़ी में मत घूमना। यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है। एंड ये है पूरी पिंक सिटी। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अपने रिलेटिव के घर जहाँ हम लोगों ने जाना है, बाकी देखते कल अगर कहीं घूम पाए तो दिखाऊंगा आपको, अदरवाइज़ तो वहीं रह कर हम लोग वापस दिल्ली निकलेंगे। और दिल्ली ये देखते हम कैसे निकलेंगे वापसी, क्या हम मुंबई एक्सप्रेस वे से जाते हैं या फिर इसी जिस रोड से आए इस रोड से वापस जाएंगे, देखते हैं, लेट्स सी। आप बने रहिए व्लॉग के अंदर, देखते रहिए, इन्जॉय करिए ये वीडियोज़। आ चुके हैं चार दरवाजा की तरफ एंड सामने ये दरवाज़ा है, बहुत सारे दरवाजे हैं जयपुर के अंदर अलग अलग। बाकी हम चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, हम जयपुर म्यूज़ियम की तरफ से निकलेंगे घर। एंड ये जयपुर म्यूज़ियम की रोड आ चुकी है, सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर अपनी, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है बट ये है जयपुर म्यूज़ियम, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है ये, यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने के लिए भी आते हैं। चलिए अब आगे निकलते हैं यहाँ से जयपुर म्यूज़ियम के आगे से होते हुए हम लोग घर की तरफ। बाकी नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे जल्दी मिलते हैं हम लोग। प्लीज़ शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट, पता चले क्या इंप्रूवमेंट मुझे इसके अंदर करनी है मेरे ब्लॉग के अंदर। बाकी चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए आप लोग एंड होप सो आपको ब्लॉग ही अच्छा लगा होगा। बाकी नेक्स्ट प्रॉब्लम मिलते हैं, जल्दी दिखाएंगे कैसी क्या चल रही है हमारी। चलो बाय बाय, टेक केयर।